नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और बार आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल 2020 से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर दोस्तों आईपीएल 2020 की शुरुआती तारीख में बदलाव हो सकता है। यानी दोस्त 29 मार्च को जो आईपीएल शुरू होने वाला है वो कैंसिल हो सकता है और इस डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों क्या है खबर, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम और आगे बढ़े, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आईपीएल 2020 की कोई भी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों आईपीएल 2020 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिसंबर में कोलकाता में खिलाड़ियों की नीलामी हुई थी, सभी टीमों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से खिलाड़ियों को खरीदा था। इसके साथ ही आईपीएल के शुरू होने की और फाइनल मैच की डेट भी आ चुकी है। टूर्नामेंट की शुरुआत 29 मार्च से होगी, वहीं मैचेस रात 8 बजे से शुरू होंगे, जबकि 24 मई को फाइनल मैच खेला जाएगा। टूर्नामेंट से पहले एक ऑल स्टार मैच भी खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल खबरें ऐसी निकल कर आ रही हैं जहां पर दोस्तों आईपीएल 2020 के शुरू होने की तारीख में बदलाव किया जा सकता है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली भी यह घोषणा कर चुके हैं कि टूर्नामेंट की शुरुआत 29 मार्च से होगी, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीसीसीआई इसमें बदलाव कर सकती है। दोस्तों यह माना जा रहा है कि इंटरनेशनल मैच होने की वजह से शुरुआत की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। मार्च के अंत में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच मैच होते रहेंगे, इसी वजह से इस तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों आईपीएल 2020 के शुरू होने की नई तारीख की घोषणा आईसीसी के मीटिंग के बाद हो सकती है। शुरुआत की तारीख को आईसीसी और आईसीसी की बैठकों में भारत के बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता होगी, जिसकी पुष्टि होनी बाकी है। दोस्तों एक सूत्र ने इस बारे में कहा कि इस बार आईसीसी में भारत का बोर्ड प्रतिनिधि कौन होगा, इस बारे में बात स्पष्टता होने पर उस व्यक्ति को भी आईसीसी की बैठकों में शामिल होना होगा, उन्हें एक बार फिर से आईपीएल की शुरुआती तारीख पर फिर से विचार करना होगा। तो दोस्तों भारत का जो भी बोर्ड प्रतिनिधि होगा आईसीसी की बैठक में आईपीएल की शुरुआती तारीख पर चर्चा करेगा और हो सकता है कि इसे और आगे बढ़ा दिया जाए। दोस्तों फरवरी के पहले हफ्ते में आईपीएल 2020 का शेड्यूल जारी होना था, लेकिन यह नहीं हुआ है। पिछले साल वर्ल्ड कप की वजह से आईपीएल की शुरुआत 23 मार्च को ही हो गई थी, इस बार यह देरी से शुरू होगा। इसकी घोषणा भी जल्द ही हो सकती है, अगले आने वाले कुछ ही दिनों में आईपीएल 2020 का शेड्यूल भी जारी हो सकता है। वहीं दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 24 मई को आईपीएल 2020 का फाइनल मुकाबला खेला जा सकता है, लेकिन अभी तक इस पर भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, इसलिए अगर शुरुआत की तारीख को आगे बढ़ाया जाता है तो फाइनल भी आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी अपडेट आईपीएल 2020 की तारीख को लेकर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।